हाय, मैं महुआ किचन इंडिया ऑफ महुआ से महुआ बोल रही हूँ। होली के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्योहार में सभी के घर में तरह तरह के मीठे और नमकीन व्यंजन बनाए जाते हैं। इसी अवसर पर मैं आज आप लोगों को बंगाली स्टाइल की बहुत ही रस भरी मलपुआ बना के दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और रसीला होता है। ये आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगेगी। और ये रेसिपी देखने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अति अवश्य जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और मेरे बेल को भी जरूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके भी मुझे जरूर। हाँ, तो ये मालपुआ बनाने के लिए देखिए, मेजरिंग कप से एक कप मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर है, मतलब 250 ml के करीब है, और ये 4 चम्मच के करीब सूजी है, 1/4 कप सूजी है, सेमोलिना है, और ये कॉन्डेंस मिल्क है, देखिए 4 चम्मच के करीब, सोप पाउडर है और इलायची पाउडर है और दूध है। तो चलिए शुरू किया जाए। इसलिए मैं ये मैदा को इसमें डाल दी, सूजी को भी इसमें डाल दी। इसमें मैं कॉन्डेंस मिल्क डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी दूध डालकर इसे मिक्स कर रही हूँ। मैं आधा गिलास के करीब, मतलब आधा कप दूध ली हूँ, अभी मिक्स कर रही हूँ, देखें कितना दूध लगेगी। दूध मुझे नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ ही दूध लेना है, ठंडा या गर्म दूध नहीं लेना है। अब मैं सोप पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर भी डाल दी। देखिए मैं इसमें 1 कप दूध डाली हूँ और देखिए इसका कंसिस्टेंसी किस तरह है, इस तरह होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, इस तरह होना चाहिए। इसे मैं मिक्स कर ली हूँ। इसमें सूजी है, इसलिए सूजी को फूलने के लिए मैं इसे आधा एक घंटा के लिए रेस्ट में रख दूंगी। सूजी है इसमें, इसलिए उसे मैदे के साथ फूल कर एकदम मिल जाए, इसलिए इसे रेस्ट में रखना पड़ता है। इसे ढक के रख दी। फिर मैं देखिए लाल स्याही से लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको टच किए तो काला हो गया, मतलब आप सब्सक्राइब हो गए। फिर बेल है, उसको भी अगर टच करिएगा तो मेरे सारे रेसिपीज के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। देखिए 2 कप चीनी और 1 कप पानी मैं डाल दी हूँ। चीनी घुल जाने से चाशनी मेरी बन जाएगी। चाशनी में मैं इलायची पाउडर और इलायची का जो हरी इलायची का जो छिलका है उसे भी डाल दी, उससे इसका सुगंध बहुत अच्छा होगा। मेरी घुल चुकी है, चाशनी भी बन गई है, तो नहीं बनाना है, खाली चिपचिप होना है। मैं एक प्लेट में डाल के बता रही हूँ। अभी चाशनी गरम है, गरम में हाथ देना नहीं है, ये बहुत ही गरम है, हाथ जल जाने की डर होती है। देखिए ये एक तरह की नहीं है, देखिए चिप चिप कर रही है चाशनी मेरी, मतलब हो गई है चाशनी, पक चुकी है।
गरम करने के लिए रख दी हूँ। अब मैं थोड़ी सी बैटर डालकर देख रही हूँ गरम हुई है कि नहीं। गरम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तब समझना है कि ये गरम हो गई है। तेल अभी गरम नहीं हुई है मेरी, ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए तेल गरम। देखिए ऊपर आ गई है, मतलब अब गरम हो चुकी है। आँच में ही इसे बनाना है। देखिए किस तरह से इसमें बैटर को डालना है, अपने से ये फैल जाएगा, फैलाना नहीं है। ऊपर से तेल डालना है, ये पुआ ऊपर आ गई है। अब मैं इसे पलट रही हूँ, थोड़ी सी लाल लाल हो जाएगी फिर मेरी पुआ हो जाएगी। अब मैं इसे उठा रही हूँ, मेरी फ्राई हो चुकी है। अब चाशनी को मैं थोड़ा गरम कर ली हूँ, फिर इसमें मैं पुआ को डालूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसे डुबा कर रखूंगी, फिर मैं दूसरी पुआ को भी इस तरह से डुबा के रखूंगी। देखिए मेरी बर्तन छोटा है इसलिए मैं सब ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, 4-5 ही डाल रही हूँ रस में। फिर मैं थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद इसे उठा लूंगी रस से, फिर दूसरी पुआ को डालूंगी। देखिए 5 मिनट हो गया, अब रस से मैं इसे निकाल रही हूँ। कितना अच्छा मालपुआ बन गया है। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट, आलमंड, काजू के टुकड़ों से और रंगीन वाली सूप जो होती है, होली है इसलिए मैं इससे डेकोरेट कर रही हूँ। आप इस तरह से डेकोरेट करके किसी को सर्व करके दे सकते हैं। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें या कमेंट्स करके भी मुझे जरूर बताएं। अपना कोई सजेशन हो तो मुझे जरूर दे ताकि मैं अपनी कमी को पूरी कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब कोई सेहतमंद रहे, बहुत अच्छी तरह खुशी खुशी होली मनाएं। बाय बाय।